इस वीडियो में मैं आपको एंड क्लॉज, और क्लॉज और नॉट, इन तीन के बारे में बताऊंगा। एंड तब होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, और तब होगा जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, और नॉट में अपोजिट या एक्सक्लूड। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हैं। मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हों जो 30 साल और 40 साल के बीच में हो, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेमर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 40। तो देखिए दोनों कंडीशन मैच होगी, तो ये दोनों कंडीशन का मतलब हर एक रिकॉर्ड को ये दोनों कंडीशन मैच करना होगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए चार रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया है। पहला जो रिकॉर्ड है 37, ये दोनों कंडीशन मैच करता है, 30 से ऊपर है और 40 से नीचे है, 32, 35, 38 चार रिकॉर्ड। तो एंड कंडीशन में वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो दोनों कंडीशन को मैच कराते हों। अब हम एक कंडीशन और दे सकते हैं, ये एज की जगह हम लोग दे देंगे यहाँ पर नेम, नेम इक्वल टू के मोक्सा एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो देखिए ये कंडीशन क्या दी हमने कि वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिसका नाम के मोक्सा होगा और जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी, तो हर एक रिकॉर्ड में ये मैच करेगा। तो देखिए तीनों रिकॉर्ड में नाम के मोक्सा है और तीनों की एज 40 से ऊपर है, तो दोनों कंडीशन मैच कर रही है इसलिए ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम आपको और क्लॉज के बारे में दिखाएंगे। और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच करें। तो जैसे कि इसी में हम लोग लिख सकते हैं वेयर नेम इज इक्वल टू अमित, अब एंड की जगह और नेम इक्वल टू के मोक्षा। तो देखिए अब कंडीशन क्या दी हमने कि जितने भी नाम डिस्प्ले होंगे वो नाम या तो के मोक्षा हो या अमित हो, उन दोनों में से कोई भी एक हो वो नाम सब डिस्प्ले करें। तो आप एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेमर्स वेयर नेम इज इक्वल टू अमित और नेम इज इक्वल टू के मोक्षा। जितने भी नाम डिस्प्ले हों या तो वो अमित होंगे या के मोक्षा होंगे, और कोई भी नाम उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर हम इसको और की जगह अगर यहाँ पर एंड लगा दें तो देखिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आता है। तो ये इसका मीनिंग क्या बन जाता है कि वो सारे नाम डिस्प्ले करो जो नाम अमित भी होने चाहिए और के मोक्षा भी होने चाहिए। तो एक आदमी के दो नाम कैसे हो सकते हैं, एक रिकॉर्ड में तो एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यू कैसे हो सकती है। इसलिए यहाँ पर और क्लॉज लगेगा न कि एंड क्लॉज लगेगा। अब मैं आपको नॉट दिखाता हूँ। तो पहले सब डेटा डिस्प्ले करिए। अब देखिए सब इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब मान लीजिए कंडीशन ये है कि सारे नेम्स डिस्प्ले करो लेकिन उनमें से कोई भी अमित नहीं होना चाहिए, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेम्बर्स वेयर नेम नॉट इक्वल टू अमित, यानी कि सब नेम डिस्प्ले करो खाली कोई भी नाम अमित नहीं होना चाहिए। तो देखिए अमित को इग्नोर करके बाकी सारे नाम डिस्प्ले किए जा रहे हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर एंड लगा कर एंड नेम नॉट इक्वल टू, आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर दिनेश देता हूँ। तो देखिए जितने भी नाम डिस्प्ले हो रहे हैं
उसमें अमित और दिनेश नहीं होने चाहिए। तो एक बार आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेम्बर, यानी कि यहाँ तक का मतलब हुआ कि सारे रिकॉर्ड्स लेके आओ, वेयर नेम नॉट इक्वल टू अमित, यानी जो भी नाम है वो अमित नहीं होने चाहिए, एंड और कोई भी नाम दिनेश भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला रिकॉर्ड है राकेश, राकेश जो है ना वो अमित है ना वो दिनेश है, इसलिए वो डिस्प्ले कर रहा है। रिकॉर्ड नंबर टू में देखिए कि मोक्सा है, तो वो है, वो अमित भी नहीं है, दिनेश भी नहीं है, इसलिए डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से लास्ट तक डिस्प्ले होगा। तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब बनता है। तो इसी के साथ हमारा एंड, और नॉट, ये तीनों यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।